है दोस्तों। सो गाइस, आपने आज टॉपिक आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। एक नई तो नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, शॉम डॉट यू का जो ये बिल्ड आया था, एच एन रोम। थोड़ा अजीब सा नाम है जो ग्रुप का, तो मैं सही से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें ही लिखा हुआ है जो इसका डिस्क्रिप्शन कह सकते हो आप, एच एन रोम वर्जन 10.3.1 रीबिल्ड डॉट ई यू आपकी शॉमी डॉट यू मी 11 स्टेबल। तो अब आप गाइस ये सोच रहे कि यार अखिल भाई आपने इस पर पहले से वीडियो बनाई थी। करेक्ट, मैंने पहले से वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वाली रोम पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी। मैंने शॉमी डॉट यू पर वीडियो बनाई थी बेस्ड ऑन मी 11, जो पहला नया अपडेट आया था, पाए का था, ये भी पाए किया। लेकिन जो कंपैरिजन है ना, आप सोच रहे हैं कंपैरिजन क्या है, एक ही बात है वीडियो दोबारा। कंपैरिजन भाई ये है कि उस इस जो रोम में परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप लाख गुना अच्छे हो जो प्रीवियस बिल्ड और शाओमी डॉट यू के थे। जो प्रीवियस बिल्ड था, बहुत मोस्ट स्टेबल बिल्ड है ये अभी तक शाओमी डॉट यू का, जो आपका एच एन रोम है वर्जन 7.3.1 रीबिल्ड डॉट ई यू शाओमी डॉट यू मी 11 स्टेबल। बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और इन्होंने सीआर डॉट भी निकाल रखी है 5.9, वो भी रीबिल्ड है। उसकी रिव्यू की वीडियो लेके आऊंगा मैं, उसके इंस्टॉलेशन के नहीं, इसके सिर्फ इंस्टॉलेशन के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैंने आज तक वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी इस वाले बिल्ड की। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सो कैसे इंस्टॉल करना है अपने पोको एफ एन में। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रख टू गए। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया देख रहा है। और एज ऑलवेज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने करना, वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेल्विक, कैचे, सिस्टम, डेटा, बफ के ऊपर के जो फोर है उसको आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म टू फ्लैश, उसके फ्लैश में जाना, जहाँ भी अपने रोम रखी हुई है, मैंने आप डाउनलोड्स में रखी हुई है, और उसको इधर आपने आपने जो आपको फाइल सही है मेजिस्क रोम डी एफ ई, और जो आपको वाइप करना है, फोर चीज़ें आपको करनी है। मेजिस्क इट्स ऑन यू, इट्स ऑप्शनल, अगर आपको फ्लैश करना है वो कर सकते हो, सो इतना मैंडेटरी नहीं है। आपको रूट एक्सेस ही है तो आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका, आप खुद दे सकते हो एच एन रोम वर्जन 7.3.1 ई यू शॉमी डॉट यू मी 11 स्टेबल का। स्टिल आपको कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बिल्ड है ये, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड है इफ़ यू आर गोइंग फॉर परफॉर्मेंस एज वेल एज बैटरी बैकअप ऑल्सो। स्कोर्स इतने अच्छे हैं इसके एंटीटू और गीक बेंच, प्लीज़ टेस्ट द स्कोर ऑन गीक बेंच 4 नॉट 5। तो 5 का कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो 4 पे टेस्ट करना आप अगर करोगे। रिव्यू की वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं। सो बहुत स्टेबल और बहुत बढ़िया रोम है, उसमें आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। कन्फर्म टू इसको इधर फ्लैश कर देना। स्कोर इतने इसके बढ़िया आते हैं, और मेन जो इसका स्कोर आया है आपका क्या बोलते हैं गीक बेंच 4 का, ऑलमोस्ट 9000 के करीब, ऑलमोस्ट आपका जो मल्टी स्कोर है, थर्ड स्कोर कहते हैं, ऑलमोस्ट 9000 के करीब आया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत सही रखता है। और आपका जो इसमें सिंगल स्कोर आया था वो आया था ऑलमोस्ट 2400, मतलब थर्ड स्कोर आपका मल्टी स्कोर हो गया 9000 और सिंगल स्कोर ऑलमोस्ट आपका हो गया 400, 2400। बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के वाइज बेस्ट है गाइस। परफॉर्मेंस में आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, पबजी ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें बहुत बढ़िया रहने होंगी। जो परफॉर्मेंस आपको स्कोर दिखा रहे हैं तो एज वेल एज जो पबजी इस पर चलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। रोम इधर आपकी हो चुकी है, इधर हमने डीएफई फ्लैश कर देना। प्लीज़ डोंट डाउनलोड मेजिस्क 1 डीएफई, ओनली इंस्टॉल डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन डीएम वेरिटी, ये वाला आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि एक मेजिस्क वाला भी है, वो आपने डाउनलोड नहीं करना है। मेजिस्क अलग से आप फ्लैश कर सकते हो, ये मेजिस्क वाला डीएफई नहीं है। जब मैंने, क्योंकि गाइस मैं दूसरों कहने पे नहीं कह रहा, मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग टू यू, बिकॉज मैंने ट्राई करी है ये रूम, मैंने इसको ट्राई करा, बूट करा, मैं थोड़ी इसको चलाई, पबजी भी देखी, परफॉर्मेंस देखी। जब भी आपको बताने, तो मैं वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूँ, तो मैं कुछ और वीडियो बना रहा था। जब भी मैंने कहा चलो भाई एक बार इसकी बना लेते हैं, अपने आप हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार इसकी हम रूम बना लेते, मतलब वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। अब थोड़ा यहाँ से टाइम लेगी, ये फर्स्ट रिबूट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। एंड सी गाइस, इन माई ओपिनियन, इट इट इट्स अ ऑनेस्ट ओपिनियन गाइस, सी दिस इज द बेस्ट रूम फॉर परफॉर्मेंस एज वेल एज बैटरी बैकअप। इफ यू आर फाइंडिंग दिस पैकेज इन अ सिंगल रूम, उस चीज़ के हिसाब से दिस विल द बेस्ट रूम गाइस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और रूम्स आप देखो, कोई कोई रूम्स में दोनों चीज़ें मिलती है, लेकिन उतना ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं मिलती। ओएस में जैसे वॉक्स एंड एडिशन में क्या है, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है, हाँ कस्टमाइजेशन परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी खासी बैटरी बैकअप नहीं है। फिर बैटरी बैकअप के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, 9.0.17 का बिल्ड ऑफ ओएस, इफ़ यू आर फाइंडिंग अ ग्रेट एंड स्टेबल बैटरी बैकअप। एंड इन 9.0.17 परफॉर्मेंस इज नॉट नाइस, इतनी खास नहीं है, इट्स नॉट ग्रेट, ओनली बैटरी बैकअप इज ग्रेट इन दैट बिल्ड। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग देन परफॉर्मेंस, देन यू हैव टू गो टू
एमॉक्सन एडिशन, बट इन दिस पैकेज यू आर गेटिंग बोथ परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड बैटरी बैकअप ऑल्सो, तो इसलिए मैं आपको ये रेफर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं है रूम में, फटाफट एक बार वाईफाई कनेक्ट कर लेते। जब आपको दोनों ही चीज़ें एक पैकेज में मिल रही है तो ऑब्वियसली आप उसको ही रेफर मतलब चूज़ करोगे, वो सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात गाइस, वो तो आप पे डिपेंड है, मैं तो आपका अपनी हमेशा चाहे रिव्यू वीडियो में इंस्ट्रक्शन वीडियो में हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, सच बोलूँ। जो भी गाइस इस रोम्स रिव्यूज़ में झूठ बोलने का, तो यहाँ पे कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हाँ ऑनेस्ट रिव्यू दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो भी आपका सपोर्ट मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि ऑनेस्ट ओपिनियन और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ फ्रॉम माई साइड। तो अपने हिसाब से मैं पूरा सब कुछ ट्राई करता हूँ टू गिव ऑनेस्ट एंड बेस्ट रिव्यूज एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड आई मीन। तो फटाफट गाइस इनिशियल सेटअप स्किप करता हूँ। दोस्तों रोम आपके यहाँ पे फ्लैश हो चुकी है, हाँ सॉरी बूट हो चुकी है। फटाफट एक बार देख लेते स्पेसिफिकेशन, फिर आपका पोको एफ एन वी 11 शाओमी डॉट यू 11.0.3 स्टेबल वर्जन है भाई, ये बस रीबिल्ड है एच एन रोम, और यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि पहले मैंने इस वीडियो बना रखी है आपको पता ही है, जो आपका 11.0.3.0 का बिल्ड था वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है, वो तो पता ही था। कर्नल आप कर सकते हो, वैसे इसमें कर्नल मलाकास ऐड कर रखा है 4.9 स्पेशल, आप नीचे देख लो होंगे, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी स्कोर्स और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल रही है एज वेल एज बैटरी का पोल्सो। तो मलाकास कर्नल बेस्ट है, लेकिन इसके तक कोई और कर्नल भी प्रोवाइड कर सकते थे क्योंकि कस्टमाइज जो कस्टमर्स होती है उस पर मलाकास कर्नल थोड़ा और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, बट कोई बात नहीं, डेवलपर ने सोच समझ के करा होगा। और यहाँ पे आपका बस एच एन रोम वर्जन 7 जो आपका रीबिल्ड है 7.3.1 का जो बिल्ड है, और ज़्यादा इसमें आपके चेंजेस इसमें नहीं हुए। तो ये पूरी वीडियो थी, यूज़ करना प्लीज़ यूज़ करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, लेकिन यूज़ ज़रूर करना इस रोम को, कि बेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, एक बार यूज़ करो, पबजी खेलो और एज वेल एज बैटरी का भी आप खुद टेस्ट कर सकते हो, रिव्यू की वीडियो तब भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलना। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल क्रेडेंशियल पॉइंट फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।